हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड शिवाय की पेंटिंग। ये पेंटिंग बेस्ड है शिवरात्रि के ऊपर। तो गाइस, ये पेंटिंग जब डिसाइड कर रहा था शूट करने के लिए, सो मेरे पास टाइम था, बट ये पेंटिंग मैंने पहली बार 3/4 साइज की, सॉरी A3 साइज की पेंटिंग मैंने सिले की थी। और ये पेंटिंग काफी बड़ी थी और मेरे अंदाजे से इसने बहुत, सिर्फ इस वजह से मुझे पेंटिंग अपलोड करने में भी टाइम लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एडिटिंग, फोन में भी स्टोरेज इतना कम था, क्योंकि पेंटिंग शूट करते 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 ही मैंने इसके काफी सारे पार्ट को कितना क्रॉप करके कट करके फाइनली आज लास्ट डे शिवरात्रि का मुझे आज अपलोड करना ही था। सो इसे बेसिकली आपको पहले लाइट स्काई ब्लू कलर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको डार्क कलर अप्लाई करना जैसा आपको शेड चाहिए। मैंने स्काई ब्लू कलर इससे पहले अप्लाई करा है ताकि इसमें कलर कम लगे, यूज हो ब्लू वाला, क्योंकि पूरे बैकग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर यूज हुआ जिसमें मेरा पूरा ब्लू कलर खत्म हो गया। कुछ इस तरीके से आपकी पेंटिंग बन के आएगी, ठीक है। एंड जो हल्का हल्का जो स्काई लाइट शो हो रहा है वहां पे आपको व्हाइट कलर को ब्लू कलर के साथ ब्लेंड करोगे ना, तो ऐसा शो जो लाइट वाला इफेक्ट आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम इस पे लिप्स की ड्रॉ कर लेंगे, लिप्स को हाईलाइट कर लेंगे। सो इस तरीके से हम लिप्स बना ले रहे हैं। अब हम हेयर बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले बेस लेयर जो है वो चॉकलेटी रखेंगे, ठीक है। फिर साइड साइड में हल्का सा डार्क चॉकलेटी कलर अप्लाई करेंगे। अवॉइड करें कि ब्लैक कलर लगाना, क्योंकि बेसिकली ब्लैक कलर जो होता है एक बार में पूरी पेंटिंग को मैच कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम हल्का सा उसे, इसे भी हम चॉकलेटी कलर को मिक्स करेंगे, मीन्स ब्लेंड करेंगे, ताकि जो चॉकलेटी कलर भी हमने अप्लाई करा है और ये जो डार्कर कलर है ये दोनों ब्लेंड हो जाए एक में और लगे एक ही हेयर है, राइट। सो ये हमने कुछ इस तरीके से इसे यूज करके हल्का सा ब्लेंडिंग लुक दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ये दोनों अलग लग रहा था, अब ये दोनों सेम लग रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। एंड फिर अब हम हेयर ड्रॉ करेंगे, जो कि गाइस बहुत इजी है। आप बेसिकली आपको स्ट्रोक देना आना चाहिए पूरे ओवरऑल पेंटिंग में। तो इसके लिए आप पतला ब्रश का भी यूज कर सकते हैं और मोटे ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सो मैंने यहाँ पे मीडियम ही ब्रश यूज करा है। तो जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हम देंगे ब्लैक से, क्योंकि पहले हम ब्लैक के एरिया को कवर करेंगे। एंड फिर बेसिकली इसमें मैंने बरगंडी कलर यूज करा है, चॉकलेटी कलर यूज करा है एंड ब्लैक कलर यूज करा है, सो दैट वो एक शाइन बनी रहे बेसिकली। एंड ये हेयर ड्रॉ करते समय आई फील लाइक कि हेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन मेरी सिस्टर ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करा कि ये हेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा बना। सो गाइस, अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते। सो इस तरीके से हम, देखो अभी हम हल्का सा चॉकलेटी शेड दे रहे हैं एंड इसके ऊपर हल्का सा रेड शेड दे रहे हैं। बेसिकली चॉकलेटी और रेड का जो शाइन होता है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने कलर यूज करा है ये हाफ ही अप्लाई करा है, पूरा हेयर में नहीं अप्लाई करा है, ताकि वो एक शाइन जो बेसिकली होती है दो शेड वाली वो मैंने इस पे बरकरार रखी है। कुछ इसी तरीके से आपको पूरा हेयर ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस अभी जो है ये पार्ट है बेसिकली शेडिंग का। अगर आपको डायरेक्ट कलर अप्लाई नहीं करना है तो सबसे बेस्ट होता है ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसको मुझे एक्चुअली बोलते क्या ये पता नहीं है, बट इसका यूज करके बेसिकली आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को शेड कर सकते हो। जैसे ये साड़ी में जो रिंकल का शेड आया है ये मैंने इसकी मदद से ही अप्लाई करा है एंड इसके बाद मैंने कलर अप्लाई करा है। तो इससे कैसा होता है, आपका टाइम लगता है और आपका जो ओवरऑल जो आर्ट वर्क है वो खिल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पे हल्के, इसके थ्रू हल्के हल्के स्ट्रोक, सो
So, कुछ इस तरीके से हल्का हल्का, बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट जो साड़ी पे पूरा वर्क है वो सेम करा है। इसे ब्लेंडिंग टूल भी कहते हैं। और फिर आप देख सकते हो मैंने इसको इरेजर के थ्रू हल्का हल्का लाइट कर दिया, ताकि वो कलर अप्लाई करते समय वो पेंसिल कलर की वजह से, सॉरी पेंसिल के जो हल्के दाग है उसकी वजह से कलर का शेड फेड ना हो। और अब हम इस पे व्हाइट अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां जहां हमने पेंसिल से हाईलाइट करा है वहां पर हम चॉकलेट भी अप्लाई करेंगे, ताकि वो एक रियलिस्टिक लुक दे सके हमसे। बेसिकली इसमें आपको जो आपने ब्लेंडिंग टूल से रेफरेंस बनाया है उसको ही कॉपी करना है, एंड उस वो ही ब्लेंड, बेसिकली जो व्हाइट एंड चॉकलेटी, ऐसा ना लगे कि बस खाली लगा दिया है कलर, जैसे कि हमने हेयर में करा, इवन करना है ताकि लगे कि एक ही चीज है बट हल्का सा शेडिंग ना लगे, राइट। सो बिल्कुल वैसे ही करते करते आपको हल्का हल्का शेडिंग देना है। आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाइट अप्लाई करके भी ये कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और जो एक रियलिस्टिक जो हम देना चाह रहे हैं वो थोड़ा टाइम लगता है। बेसिकली हमें इस पेंटिंग में टाइम बहुत ज्यादा डाल दिया था, इसलिए हमने ये बेसिकली आर्टिस्ट करते हैं, सो ये आप यूज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमको ओवरऑल कवर अप करना, फिर हमें जैसे कि आप मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमें रेड कलर भी अप्लाई करना है, सो हमें बॉर्डर के लिए रेड कलर भी अप्लाई करना है, जो यहाँ पर येलो और व्हाइट एंड ऑरेंज का शेड आ रहा है, ये बेसिकली जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई रिफ्लेक्शन के लिए वहां पे पेंट करा मैंने। आई होप मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी हो। सो गाइज, ये पेंटिंग बनाने में लिटरली मुझे बहुत टाइम लगा है, तो अगर आप में से किसी को भी पेंटिंग अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर कहना कि ये पेंटिंग, मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लगा है। एंड इस तरीके से हम पहले येलो शेड कर लेंगे, आप ऑरेंज भी, येलो और ऑरेंज दोनों साथ में कर सकते हो, बट कैसा है कि ऑरेंज कलर थोड़ा ज्यादा ही डार्क होता है येलो के कंपेरिजन में, तो वो ज्यादा जगह ले सकता था। सो कुछ इस तरीके से हमारी ओवरऑल पेंटिंग बन गई है। अब हम इसे पेपर टेप निकालते हैं एंड आप देख सकते हैं कैसी बनी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, एंड मैंने आपको, आप मुझे बताइए बिफोर एंड आफ्टर ये पिक्चर कैसी लगी, क्योंकि जो हाफ पेंटिंग थी जो विदाउट जो हेयर पूरा जिसमें डिटेलिंग थी वो अच्छी थी, कि ये पूरी अच्छी। सो ये उसकी पिक्चर जो मैंने अपलोड की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।